आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु की आवाज़ को सुनना, हम किस प्रकार से प्रभु की आवाज़ सुने। अजीजों, ऐसा होता है कि अक्सर हम सुनाना पसंद करते हैं लेकिन सुनना पसंद नहीं करते। जबकि परमेश्वर के सामने हम रोज़ जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं कि हमारे को परमेश्वर घर चाहिए, हमारे को गाड़ी चाहिए, हमारे को रोज़गार चाहिए और हमारे को अपने जीवन के अंदर उन्नति चाहिए, लग्जरी जीवन चाहिए। हम जाते हैं और कहते हैं, रोज कहना पसंद है लेकिन सुनना हमारे को पसंद नहीं है। कभी हमने ये सुनने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमारे को इस संसार के अंदर क्यों भेजा है। क्योंकि पाक कलाम कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 29वीं आयत कहती है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ पर एक शब्द है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान इंसान को दिए गए, लेकिन यदि आप देखें तो शैतान के कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते हैं। तो हम इंसान हैं, हमारे को जो कान परमेश्वर ने दिए हैं वो सुनने के लिए दिए हैं। तो हमें अपनी अपनी नहीं सुनानी है, परमेश्वर के सुनने के लिए भी हमारे को तैयार रहना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन को क्या बनाना चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन को कितना आगे लेके जाना चाहता है। तो वचन यहाँ पर यही कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हम संसारिक चीज़ों को सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, टीवी सुनते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में खो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। यदि आप देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य की जो रचना की है वो आपस में संगति करने के लिए की है। परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन से कि वो उसके साथ संगति करे। देखिए, परमेश्वर हमारा मित्र है और दो मित्र जब तक आपस में बात नहीं करेंगे तब तक उनकी मित्रता जो होती है वो घनिष्ठ नहीं हो सकती है, वो पक्की नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि यदि एक मित्र अपनी अपनी कह रहा है और दूसरे मित्र की नहीं सुन रहा तो क्या होगा कि जो मित्र है उसका दूसरा वाला वो चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो कहेगा, यार मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, ये तो अपनी अपनी सुनाता है, ये तो अपनी अपनी कहता है, इसलिए मैं इसकी बातें नहीं सुन रहा। लेकिन ये है कि हमें सुनना भी पड़ेगा। जब परमेश्वर हमारा मित्र है, वो हमारे साथ संगति कर रहा है, हमने अपनी मन की बात कह दी, अब परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, हमने ये सोचना होगा, ये हमने जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि हम देखें, जब बागे अदन के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब आदम और हव्वा को रचा, तो पाक कलाम बताता है कि परमेश्वर उनके साथ रोज शाम को संगति करने आता था। परमेश्वर रोज उनसे बातें करता था और परमेश्वर आज भी यही चाहता है। लेकिन क्या हुआ, बागे अदन के अंदर हम सभी जानते हैं हुकुम नहीं माना गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया। जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अजीजो, आज भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस संसार के नैतिक प्रदूषण के अंदर हम प्रदूषित हो चुके हैं। हम ईश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है, यदि आप देखें मती रचित सुसमाचार 4 और उसकी 4 आयत कहती है, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यदि जीवित रहना है तो हर एक उस वचन के ऊपर हमने चलना होगा, हमें परमेश्वर के उस वचन को मानना होगा। ये वचन हमारे जीवन के लिए एक आईने का काम करता है। ये वचन जो है, ये परमेश्वर का वचन, ये दोधारी तलवार है, ये हमारे लिए, ये हमारे मार्ग के लिए जीवन की ज्योति है। ये हमारे को तमाम उन शैतानी बातों से बचा के रखता है। ये वचन हमारे को तमाम उन संसारिक चीज़ों से बचा के रखता है जिसमें कि हमारी आत्मा दूषित ना हो सके। हमारी आत्मा यदि जब दूषित हो जाती है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां उसके साथ संगति करना बंद कर दें, उसकी बातें सुनना बंद कर दें, उसको वचनों को मानना बंद कर दें। क्योंकि वचन कहता है, इब्रानियों 12 उसकी 25वीं आयत में लिखा है, सावधान रहो
और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। आज हमारे चर्चिस के अंदर पादरी साहब हर संडे कलाम देते हैं, वचन सुनाते हैं। शायद हम उन वचन को सुनते सुनते हमारे को नींद आने लगती है, या हमारे को ऐसा महसूस होता है कि शायद ये हमारे जीवन के ऊपर बोला जा रहा है, तो इसलिए हम उस चीज़ को सुनना पसंद नहीं कर सकते। और क्या होता है कि जब हम उस वचन को नहीं सुनते हैं तो शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को